इंदौर के दिग्विजय आइडिया मल्टी में गांजा बेचने वाली महिलाओं का विरोध करने पर रहवासियों पर चली गोलियां। रहवासी कई बार कर चुके थे पुलिस को शिकायत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान। देर रात सर्चिंग अभियान चलाकर हवाई फायर करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ अन्य साथी की तलाश की जा रही। वही तलाशी में दो महिलाओं को भी पकड़ा है जिनके पास से अवैध शराब बरामद हुई है। वहीं अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। दरअसल द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में दिग्विजय आइडिया मल्टी में दो महिलाओं द्वारा नशा बेचने का कार्य किया जाता है। परेशान होकर रहवासी कई बार थाने के चक्कर भी लगाते रहे लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि रहवासियों ने पोस्ट से लेकर गांजा खरीद के आने वालों के वीडियो तक बना डाले। ऐसे ही कर युवाओं को गांजा खरीदने हुए वीडियो बना रहे थे तभी युवाओं ने दहशत फैलाने के लिए हवा में एक के बाद एक दो तीन फायर कर दिया और मौके से फरार हो गए। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और देर रात सर्चिंग अभियान चलाकर दोनों महिलाओं अनीता और मुन्नी बाई को गिरफ्तार किया है जिनके पास से शराब बरामद हुई है। वहीं गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी सन्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश को घटनास्थल पर घुमाकर माफी मंगवाई तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से मल्टी की महिलाएं खुश नजर आई है और महिलाओं ने पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। वहीं अन्य तीन युवकों के नाम सामने आए हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कल देर रात द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में विदुर नगर के पास में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वहां पर किसी विवाद के चलते फायरिंग करने की सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर से थाने में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। इसमें से अभी फिलहाल एक आरोपी सन्नी को गिरफ्तार किया है जो श्रद्धा सबूरी नगर का रहने वाला है। इसके साथ में अन्य तीन चार लड़के और के नाम बताए गए हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी। इनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि कल दिनांक को ये सारे लोग वहां पर गांजा लेने के लिए गए थे जहां पर जो एक महिला है जिसके द्वारा बेचा जाता था वहां पर गांजा ना मिलने के उपरांत में इनका विवाद हुआ जिसके बाद में इनके द्वारा विवाद के चलते दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करी गई थी। इसमें इनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा वहां जो महिलाएं जो गांजा बेचती थी और उनके घरों में सर्चिंग करवाई गई या थोड़ा सर्चिंग कराने के बाद में उनके घरों से कुछ अवैध शराब भी जब्त करी गई है जिसमें दोनों महिलाओं को जिनका नाम अनीता और नंदा बाई है दोनों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया गया है। इसमें अभी जितने भी अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि गांजा बेचने की शौहरत रखते हैं उन सभी घरों पर आज थोड़ा सर्चिंग करवाई गई है और जिससे कि एक एरिया में पूरे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन करा गया है। अभी इनसे लगातार पूछताछ जारी है। जल्द से जल्द हथियारों की बरामदगी भी की जाएगी। कहाँ से लेके आए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसे हम दोबारा घटनास्थल पर लेके गए थे मौके की तस्दीक कराने के लिए। वहां पर जो रहवासी हैं वो उन्हें वहां मिले जिससे इसने आत्मग्लानी में रहवासी संघ में जितने भी लोग थे उनसे माफी मांगी है, उनके पैर पड़े हैं और उनसे कहा है कि दोबारा इस प्रकार की घटना उसके द्वारा नहीं करी जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।